केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक दिन बाद एक बहुत अच्छी खबर सामने आने वाली है, जो सूचना आ रही है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान करना होगा। बढ़ा हुआ पैसा खर्च की सैलरी के साथ ही अदा किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 56% इजाफा होगा। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के जहन में जो 2 दिनों से सवाल उठ रहे थे, महंगाई भत्ता कब आएगा, कब कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और किस दिन से सैलरी में क्रेडिट होना शुरू होगा, इन सभी सवालों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता को 4% बढ़ाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। इसका लाभ कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनधारियों को भी मिलेगा। इससे सरकार पर हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ने पर अब उनका महंगाई भत्ता 42% पहुंच जाएगा। फिलहाल उन्हें 38% की दर से भुगतान करना पड़ रहा है। महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा होने पर 7th पे कमीशन के तहत महंगाई के चार्ट को देखें तो जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इंडेक्स में 2.6 अंक की तेजी आई है। इसमें कुल महंगाई भत्ते में 4.40% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% होगा। दिसंबर 2022 में सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स 0.2 अंक घटकर 132.3 अंक पर रहा था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।